अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गद्दार बोलते हैं मुझे। जो गद्दार खुश है, नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती। किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अलीन इस्लामिक ट्यूब पर। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती के मामले तकरीबन 8 दिन से खुलकर सामने आ रहे हैं, वैसे तो हर वक्त मुसलमानों ही के साथ जुल्म ज्यादती होती आ रही है, लेकिन मेवात के नू इलाके में जिस तरह से नाज़रीन इकराम मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, रात रात एक मस्जिद के नायब इमाम हाफिज साद को जिस तरह से बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, इतना ही नहीं बल्कि उसी दिन ट्रेन में चलती हुई ट्रेन में 3 मुसलमानों को एक पुलिस ऑफिसर ने जिस तरह से भून दिया, रेलवे पुलिस ऑफिसर ने जिस तरह से उन मुसलमानों को शहीद कर दिया। नाज़रीन इकराम, इन सारे हालात पर इस मिल्लत इस्लामिया का कोई भी पुरसान हाल नहीं रहा। बिलाखिर नाज़रीन इकराम, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की जानिब से MLA, उन्होंने महाराष्ट्र की असम्बली में रोते हुए जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म ज़्यादती को बयान किया। यकीनन हम मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने अपना हक तो अदा कर दिया। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की ही नहीं बल्कि तमाम मजलूमों की हिफाजत फरमाए। जनाब MLA अबू आसिम आज़मी साहब का यह बयान उन्हीं की ज़ुबानी समाअत फरमाए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अध्यक्ष महोदय, कुछ मुस्लिम लड़कों ने स्टेटस लगाया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, आपने उस पर केस किया। मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर गए उनकी कब्रिस्तान पर, फूल चढ़ाया और कहा किसी में दम है तो मुझ पर केस करके दिखाओ। क्या इस देश में 2 किस्म का कानून चलता है? अगर किसी ने स्टेटस लगाया तो उस पर केस कर दिया गया, और एक आदमी चैलेंज कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। ट्रेन में जो हादसा हुआ ना सर, इसी वजह से हुआ है। जो नफरत फैलाई जा रही है, 24 घंटे एक ही काम है इस कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदू भाइयों में बदनाम करो। ये चीज लाओ, ये लाते हैं जिस चीजें। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अध्यक्ष महोदय हालत यह हो गई है कि आप किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। गांधी जी के खातिर का प्रचार किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय, ये सब जानबूझ करके, अध्यक्ष महोदय ये सब जानबूझ कर किया जा रहा है। ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय।